नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। अब हम क्लास सिक्स का पार्ट वन आ रही रवि की सवारी, जो कि कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। इस रचना में कवि उदय होते हुए सूरज की तुलना राजा की सवारी से कर रहा है और इस पावन बेला को प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तनों का मनोहर चित्रण किया है। कवि कह रहा है, आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब प्रातःकाल सूरज निकलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सूरज अपनी सवारी पर सवार होकर आ रहा है। नव किरण का रथ सजा है, जो सूरज का रथ है वो नव किरणों से सजा हुआ है। कली कुसुम से पथ सजा है, जब सूरज का प्रकाश फूलों पर पड़ता है तो कली और फूल ऐसे खिल जाते हैं जैसे मानो उन्होंने उसका पथ सजा दिया हो। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, बादलों को सेवक के समान कवि कहता है कि उन्होंने उसके स्वागत में स्वर्ण की पोशाक धारण कर रखी है और इस प्रकार रवि की सवारी चली आ रही है। विहग बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन, छोड़ कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पक्षी कैदी और चारण कीर्ति के यश के गीत गा रहे हैं। जो तारों की फौज रात में होती है वो सभी दिन के प्रकाश में लुप्त होती जा रही है, मतलब भाग रही है, और इस प्रकार सूर्य की सवारी चली आ रही है। चाहता उछलूं विजय कहे पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। कवि कहता है कि सूर्य की सवारी जब आती है तो उस ये सब चीज़ें विजय के समान हैं। वो चाहता है कि मैं उछलूं, पर यह देखकर वह ठिठक जाता है कि उसके सामने रात का राजा अंधकार खड़ा हुआ है और वह यह विनती कर रहा है कि इस चीज़ को ना करें, उजाला ना करें, उसके अंधकार को ख़त्म ना करें, और इस प्रकार सूर्य की सवारी चली आ रही है। कवि इस कविता के माध्यम से ये भी कहना चाहता है कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे रात के बाद एक प्रकाश आता है और रात के अंधकार को ख़त्म कर देता है। इसी प्रकार हमें भी अपने सुख और दुख से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम लोगों ने कविता को अच्छे से पढ़ लिया है, अब आप लोग इसको 2-3 बार रिविज़न करेंगे जिससे ये कविता आपको अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद आप अपने रजिस्टर में पार्ट वन आ रही रवि की सवारी चैप्टर का नाम डालेंगे, फिर पाठ परिचय डालकर सबसे पहले पाठ परिचय लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और फिर प्रश्नोत्तर। ये सारे नोट्स आपके स्कूल मित्र ऐप पर अपडेट कर दिए गए हैं, आप वहां से अपने रजिस्टर पर एज इट इज़ कॉपी करेंगे। थैंक यू।